अब इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। लगातार देखा भी गया कि आज किस तरह से एमएचए की जांच टीम पहुंची, पूरे मामले का मुआयना भी किया गया। लेकिन अभय दुबे जी, इसके पहले सिरसा साहब, मैं आपके पास आऊं, अभय दुबे जी, कम से कम पूर्व डीजीपी पंजाब की बात से तो आप सहमत होंगे ना कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है उसको कंट्रोल में करना, उसको काबू में करना ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है। और वहां पर जिस तरह की परिस्थिति थी, किसी भी पार्टी, चाहे वो बीजेपी के लोग हो, बीजेपी के लोग अगर हाथ में झंडा लेकर वहां पर जा रहे हैं और आप उसकी वीडियो वायरल करके बता रहे हैं कि बीजेपी के नेता ही वहां पर पहुंचे, ये भी तो उनको रोकना भी तो आपकी जिम्मेदारी थी, आखिर क्यों नहीं रोका गया? चित्रा जी, देखिए दो तीन चीजें हैं। एक तो मैं आपको बता दूं, मिस्टर संजय दयाल हुआ करते थे एसपीजी के चीफ अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय। उनका रिकॉर्ड पर स्टेटमेंट है कि मैंने आधी घंटे तक कारपेट बढ़ने नहीं दिया लोकल पुलिस का क्लियरेंस होने के बावजूद, क्योंकि मैं संतुष्ट नहीं था। मुझे आईबी की सूचना थी कि कुछ लोग रोड पर हैं, जब तक वो क्लियर नहीं कराया नहीं हटे। ये प्रोटेस्ट आप कल्पना कर सकती हैं कि आधी घंटे का समय 111 किलोमीटर के रोड को सैनिटाइज करने का दिया जाए, और एसपीजी, जबकि इंटेलिजेंस ब्यूरो को ये खबर थी कि पूरे प्रदेश में जगह जगह प्रोटेस्ट चल रहा है। और मैंने कहा ये भारतीय किसान यूनियन का क्रांतिकारी जो दल है, ये पहले से उन स्थानों पर प्रोटेस्ट कर रहा था। रात को 2 बजे तक चीफ मिनिस्टर साहब और गृह मंत्री जी की बात हुई और समझा बुझाकर उनको एक तरफ किया गया, और जहां पर प्रोटेस्ट था उससे 1 किलोमीटर पहले ये कॉन्वॉय रोका गया प्रधानमंत्री जी का। क्या एसपीजी की जब प्रॉक्सिमिटी के इशू पर बात कर रहे हैं पूर्व डीजीपी साहब, तो 20 मिनट तक एसपीजी ने रोक कर क्यों रखा? बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि या तो सेफ हाउस ले जाते या वापस जाते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये इरादा था कि रैली में नहीं पहुंचना है। बिल्कुल सही बात है, एसपीजी के अधिकारियों को करना चाहिए था। किसने मना किया, किसने मना किया? बिल्कुल करना चाहिए था, एसपीजी के अधिकारियों को तुरंत क्विक निर्णय लेना चाहिए था। लेकिन फिर पंजाब पुलिस और अभी जो बातें अजय आरोप की ओर से भी उठाई गई हैं, उस पर भी जरा जवाब दे दीजिए। राजीव गांधी की हत्या के मामले में कांग्रेस का झंडा लेकर ही तो गई थी वो तस्वीर भूल गए आप लोग? दो दो प्रधानमंत्री इस देश ने इसी तरह से खोया है, ये बातें हमारे जहन में ताजा रहती हैं या फिर नहीं रहती हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फिर किसने लीक किया? अगर ये कह रहे हैं कि किसानों को लीक कर दिया और तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं, तो बीजेपी के नेताओं को किसने? वो तो आइडेंटिफाइड है, चेहरे हैं वहां तो वीडियो में, वीडियो फुटेज में चेहरे हैं। ये अजय आलोक जी को तो सिर्फ पिछलग्गू है भारतीय जनता पार्टी के। जो सच और सत्य है वो ब्लू बुक से बाहर आएगा। ब्लू बुक का रिकॉर्ड जब मेरे सवाल का जवाब दीजिए, अदालत में क्या कह रहे थे? पंजाब पुलिस घास कर रहे कह रहे थे कि आदमी पहुंच गया आपके झंडा लेके। सुप्रीम कोर्ट में एक एनजीओ के माध्यम एक एक चीज की मॉनिटरिंग कर रही थी पंजाब गवर्नमेंट और दिल्ली में रिपोर्ट कर रही थी। ये बोलिए पंजाब एक एक चीज की मॉनिटरिंग आप लोग कर रहे थे, पूरी पंजाब पुलिस को पता था। डीजी ने कहा एसपीजी को भी वापस ले जाइए प्रधानमंत्री को, डीजी को पहले से नहीं पता था कि वहां आदमी आ गए? और संयुक्त जांच क्लियरेंस नहीं कर आपके मुख्यमंत्री कहेंगे हम जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, हम हटाएंगे नहीं, हम लाठी चार्ज नहीं करेंगे, तैयार है। ये किसकी गलती है? प्रधानमंत्री जी की प्रधानमंत्री के रूप में 2 घंटे के बाद जाम लगता है और आपके मुख्यमंत्री कहते हैं जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहते थे, लाठी नहीं चलाना चाहते थे, समझा रहे थे, उसके बाद डीजी का फोन आता है एसपीजी को कि वापस ले जाइए प्रधानमंत्री को। 2 घंटे पहले से आप लोग को पता था कि फिरोजपुर फ्लाईओवर पे ये घटना होगी, किस प्रकार आप लोग दिल्ली में रिपोर्ट कर रही थी पंजाब सरकार महंगाई दिया, सच्चाई बोलिए ना, के संसाधन लूट कर एक एक करके अपनी बात रख लेंगे, एक एक करके अपनी बात रख लेंगे। ठीक है, मुंह पे आप कुछंडी हो, आपकी हैसियत अब कुछ नहीं बनी, बिहार में भी कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। आपके मुंह पे आता है ये किसी और पे नहीं जाता है जी। पंजाब कांग्रेस पार्टी की आदत हो गई है, पंजाबियत ने इस देश के लिए कांग्रेस पार्टी की आदत हो गई है, खुद का पका हुआ खुद के मुंह पे आता है। सरहद पर उनकी निगरानी में हम निर्लज्ज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से भी कहा गया है कि राज्य की जिम्मेदारी होती है अभय दुबे जी, और राज्य अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता इस पूरे के पूरे मामले से। ठीक है सर, अब मैं सिरसा साहब से भी आपके पास आ रही हूं। ठीक है, पंजाब के नौजवानों को, ठीक है, पंजाब के लिए आप लोग साफ हैं।